क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। नाइस टू मीट यू, स्वागत है अभिनंदन है खैर मकदम है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम टीवी पे जब खोले हिंदू मुस्लिम की घटनाएं नू और हरियाणा गुड़गांव में इस तरीके की वारदातें हो गई हैं कहीं ना कहीं, क्या कहना है आपका? मेरा तो यही कहना है सब लोग प्यार से रहें, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, सब आपस में देखो प्यार से रहें, यही ज़्यादा सबसे अच्छा बेटर तो यही है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, इंसानियत सर्वोपरि रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग सारे फेस्टिवल साथ मनाते हैं। जी जी, होली दीपावली ईद बकरी। जी बिल्कुल सही बात है, सही बात है, अपना अपना मजहब होता है ये तो देखो, इसमें किसी का वो नहीं होना चाहिए, है ना, कोई किस तरीके से मनाता है कोई किस तरीके से मनाता है, बस ये है अपना प्यार मोहब्बत से रहें, यही मेरा कहना। हम तो आपको बस सब यही है। एक बात बताए, पूरा देश आपको देख रहा है जी, बुलंदशहर के समाज की जनता हम लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, अगर प्रदेश के और जिलों की बात करें तो इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान की जनता को रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, हमारा बुलंदशहर बहुत अच्छा है इस चीज के लिए तो, और सभी लोग देखो कितने प्यार से रहते हैं यहाँ, कभी कोई ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, जब से मैंने होश संभाला मैंने यहाँ पे कभी सुना ही नहीं है ऐसा हुआ झगड़ा या ये सब, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब भाई भाई अपने बहन सब प्यार से रहते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ और देशों में भी जहाँ जहाँ सब रहते हैं वो भी सब ऐसे प्यार से रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साफ कहना है कि प्यार मोहब्बत से रहे, देश को मजबूत मजबूती देने का काम करें और यही जीवन का मकसद जिंदगी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देश जो है एक मिलकर रहेगा तो सुखी रहेगा, और बढ़ के रहेगा तो फिर वही हाल हो जाएगा जो बाकी देशों में चल रहा है, तो लोगों के फायदे के लिए यही बेहतर है मिलकर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें और देश को मजबूत बनाने का काम करें। मजबूती तभी रहेगा जब मिलकर रहेंगे। क्या टिप्पणी है आपकी, जैसे मणिपुर और ये हाल फिलहाल में नू और हरियाणा में जो हिंदू मुस्लिम ऐसी चीज़ है, और बहुत सारे टीवी चैनलों पे हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की बात रखी जाती है। एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्ट तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती है, मीडिया में भी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट ग्राउंड सिचुएशन नहीं आती है, तो वही देखी सुनी बातों पे लोग ओपिनियन बना लेते हैं अपना, तो उस बातों पे ना जाए, ज़्यादा सोशल मीडिया को फॉलो ना करें, और बाकी देश के प्रति कर्तव्य निभाएं। देश के प्रति तो निभाना ही चाहिए, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। अफवाहों को अवॉइड करें, अफवाह तो अवॉइड ही करनी चाहिए, अफवाहों के ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अफवाहें ना लोग फॉलो करें। और कोई पैगाम पूरा देश आपको पूरा बुलंदशहर सुन रहा है, देश के लिए कोई पैगाम? देश के लिए यही है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो सब मिलके जो है यही आपस में भाईचारा बनाए रखें ताकि अमन चैन बना रहे, और बस थैंक यू। सर शुभ नाम क्या है? विकास गुप्ता। विकास भाई स्वागत है अभिनंदन है। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मणिपुर में हुई है और हरियाणा गुड़गांव, और बात करें नू की, ऐसी घटना ना हो? मेरे समझ में नहीं आता ऐसी घटना होती क्यों है, ऐसी घटना तो कभी होनी नहीं चाहिए, और जो लोग ये घटना कर रहे हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, मतलब उनकी मेंटलिटी किस चीज की है, कमजोर हो गए, मतलब समझ में नहीं आ रहा करते क्यों है ऐसा, करना ही नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ की बात है, और मतलब इस आत्मा तक को झंझोड़ देता है कि इस, मतलब जो आदमी जाके आग लगा रहा है क्यों लगा रहा है, इसमें नुकसान नहीं हो रहा, देश का नुकसान हो रहा है, सब चीज का नुकसान हो रहा है, मतलब ये बहुत के मान सम्मान पे कहीं ना कहीं आ जाती है, बहुत बहुत इतनी खुद हर एक व्यक्ति के मान सम्मान पे ठेस पहुंचती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा विकास भाई, जिस तरीके से बुलंदशहर की जनता इतने प्यार मोहब्बत प्रेम इसने से रहती है, क्या देशवासी इस तरीके से नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं देश को मजबूत करने का काम? नहीं बिल्कुल रहना ही चाहिए, हाँ कर सकते हैं, हर एक आदमी को सोच ऐसी बनानी पड़ेगी कि, लेकिन होता क्या मेरे ये समझ में नहीं, कर क्यों नहीं करना चाहिए? क्या अपील करना चाहते हैं आप, पूरा देश आपको सुन रहा है? मैं चाहता हूँ कि सभी देशवासी प्यार से रहे, हम हिंदू मुस्लिम जानते ही नहीं होता क्या है, बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, हम हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ साथ रहते हैं, जब ताजिए होते थे हमारे गली में निकलते थे हम साथ में जाते थे, हमारे यहाँ काली का मेला निकलता था सब साथ में करते थे। आज भी बदर भाई के यहाँ से देखे महाकाली की जो शोभा यात्रा शुरू होती है? नहीं हम तो बचपन से जब वो काली चंडी का मेला शुरू किया है तो हम वो देखते थे, सब साथ में ही करते थे, ये था ही नहीं कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, जानते ही नहीं हम, सब इंसानी है, सब इंसानी है, हिंदू हो मुस्लिम कोई भी हो। बड़कली चौक पे जहाँ पर ये घटना हुई है वो बड़कली चौक इनके परिवार के नाम से जाना जाता है,
वो बड़कली चौक की ओनर है ये। स्वागत मैडम, स्वागत है, शुभ नाम क्या है आपका? कोमल गुप्ता, नाइस टू मीट यू। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब से? हमने ये रखा सबसे कि कहीं घर है, घर है। क्या कहना, बड़कली चौक हमारा अपना ही था। घटना ना हो, ऐसी घटना हुई हमें देख के बहुत अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ बहुत। हाँ, बहुत दुख रहा और ऐसी घटना आगे होनी नहीं चाहिए। मैम, आप वहाँ की बेटी हैं, बुलंदशहर की बहू हैं और भाई साहब बेटे हैं बुलंदशहर के। जब से आप शादी के बाद बुलंदशहर आए, आप देखें मानवता सर्वोपरि रहती है यहाँ पर। सारे हम लोग फेस्टिवल साथ मनाते हैं। हाँ बिल्कुल मनाते हैं, ऐसे ही सब जगह होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए, ऐसी सब जगह, सब जगह मिल बांट के ही सब काम होते हैं। या तो पता ही नहीं चलता कि कौन किस आस्था को में किस मजहब में आस्था रखने वाला है, लेकिन मानवता की आस्था सबसे सर्वोपरि है बुलंदशहर वासियों में। हाँ बुलंदशहर में है ये सब में एकता है। यहाँ कभी घटना ऐसी नहीं हुई कभी भी, मैं 60 साल के आसपास जाना हूँ, लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं। सब प्यार से रहे। बड़कली चौक में भी कभी भी नहीं देखी हमने भी, हम भी वहाँ मेवात के मैं रहने वाले हिंदू ही थे, कभी हमने नहीं देखी, मगर अब सुना और देखा तो अच्छा नहीं लगा। राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं ये राजनीतिक पार्टी के लोग, तो कहीं ना कहीं देश के समाज के ऐसे लोगों को आगे बढ़कर कहीं ना कहीं देश के समाज को और सुनता ही नहीं है आगे, तो सब बड़े कोई सुनता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है। नहीं, आपको पूरा देश सुन रहा है मैम। प्यार मोहब्बत से रहें। हाँ प्यार मोहब्बत से तो रहना ही चाहिए सभी को। चलिए, कितनी प्यारी बात कही है कि पता ही नहीं चलता हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है। ये हैं बुलंदशहर के विकास गुप्ता जी, जो कि उद्योगपति हैं और समाज की जनता के प्यार में अटूट विश्वास रखे हुए हैं। प्रेम इसने और आस्था पर कहीं ना कहीं पूरे जीवन काल से इनके जो पूर्वजों से जो विरासत में मिली एक जो गुट्टी कह सकते हैं, जो मंत्र मिला है, प्यार बांटते चलो और प्यार से जीवन शैली को जीते रहें, यही माना तो सर्वोपरि रहनी चाहिए। इसी में इनकी आस्था है। देश को और समाज को मजबूत बनाने की बात रखी है, पूरे देशवासियों से अपील की है, सब लोग भाईचारे से रहें। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी सुमित कुमार। सुमित भैया स्वागत है अभिनंदन है। आपका? सोनू चौधरी। सोनू चौधरी, दोनों का आपका अभिनंदन है, स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कुछ घटनाएं हमारे सामने आती हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इस पर लगाम लगनी चाहिए क्योंकि देश सर्वोपरि रहना चाहिए। जी सही बात है आपकी, देश सब कमजोर होता है घटनाओं, ये सबका है और भाईचारा करना चाहिए सब आपस में। जी बिल्कुल, ये यही होना चाहिए। और देश से बढ़कर कोई नहीं है, देश से बढ़कर कोई नहीं, किसी के लिए बस ये समझना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद। आपका? जी मेरा नाम हाजी निजामुद्दीन है। हाजी निजामुद्दीन भाई स्वागत है खैर मकदम में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं सुबह शाम टीवी पे हिंदू मुस्लिम और ये घटना मणिपुर की हुई सामने, हरियाणा गुड़गांव नू में ऐसी घटनाएं ना हो, क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, आपस में ना लड़े ना झगड़ा होवे, आपस में एकता बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम ना करें, नेता लोगों की बातों में ना आए। ये जो चैनल चल रहे हैं आजकल हिंदू मुस्लिम वाले, इन्हें ना देखें, इन्हें इग्नोर मानने की कोशिश करें, बस यही कहा जाता है। प्यार मोहब्बत से और प्यार मोहब्बत से रह जाए, बस यही भाईचारा मिलकर रह जाए। देश सबका है, देश सबका एक ही देश है, देश सर्वोपरि। जी जी, देश से बढ़कर कोई नहीं, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। पैगाम देना चाहते हैं? बस यही पैगाम है, एक दूसरे ना लड़े ना झगड़ा करें, ना हिंदू मुस्लिम वाली बातें करें, आपस में एक दूसरे की मदद करें, जिससे प्यार मोहब्बत बढ़ी रहेगी, बस यही है। चलिए, जय, थैंक यू। आदाब नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम क्या है सर? नीरज गर्ग। नीरज भाई स्वागत है अभिनंदन ने। देश की हमारी जो एकता में अनेकता है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं और 15 अगस्त आने जा रहा है सर, हम उसको सेलिब्रेट पिछली साल भी हमने अमृतकाल करेंगे, क्या कहना है सर? करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, सब इंजॉय करेंगे, सब लोग आराम देश के लिए, इसके लिए अच्छा करेंगे और देश के लिए अच्छा करना चाहिए, हर नागरिक का फर्ज है एक दूसरे के प्रति, कभी भी कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। देश सबका है, देश सबका है और देश सर्वोपरि रहेगा, देश सर्वोपरि रहेगा, पूरा रहेगा और सब लोग उसमें साथ देंगे। और कुछ पैगाम देना चाहते हैं? बस बस, थैंक्स, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई खैर मकदम है, स्वागत है अभिनंदन चैनल में। अब्दुल्ला भाई, देश के हालात जैसे मणिपुर की घटना, नू और आपका गुड़गांव, हिंदू मुस्लिम, टीवी खोले हिंदू मुस्लिम, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो है सभी प्यार मोहब्बत के साथ रहें, मणिपुर और हरियाणा जैसा जो मामला चल रहा है वो ना हो, बल्कि अपने हिंदुस्तान के अंदर हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार मोहब्बत के साथ रहें और अपनी ज़िंदगी गुजारें। और देश सबका, देश से बढ़कर कोई नहीं, देश
देश से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। देश के लिए हम अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। और तिरंगे का मान सम्मान, हाँ तिरंगे का जो है सम्मान जो है वो हमेशा हम करते रहेंगे। हमारा झंडा जो है वो हमेशा ऊंचा रहे। सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। पर्वत नहीं सिखाता आपस में बेर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और कुछ कहना चाहते हो पैगाम अब्दुल्ला भाई? बस शुक्रिया। चलिए देखिए, साफ कहा है अब्दुल्ला भाई ने कि देश से बढ़कर कोई नहीं, देश सर्वोपरि रहना चाहिए, मानवता सर्वोपरि रहनी चाहिए और तिरंगे के मान सम्मान को आगे बढ़ाना चाहिए और गंगा जमुना तहजीब को और इंसानियत को आगे ले जाने का काम करना चाहिए, तभी देश मजबूत होगा। थैंक यू अब्दुल्ला भाई। बताइए क्या पूछ जा रहे हैं, बताइए। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मणिपुर की घटनाएं हरियाणा में, नू में और आपके गुड़गांव में, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए ये सब बेकार की बातें हैं, सभी चारों तरफ भाई बहन हैं हम लोग, सब लोग सबको मिलकर रहना चाहिए तभी देश आगे बढ़ेगा। जाति धर्म पे लोग आपस में लड़ते हैं तो वो सब ठीक नहीं होता। मेरे हिसाब से सब लोग भाई भाई जैसे ले 17 साल चलता है, ऐसे भी आगे चलना ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू।